नमस्कार। हम लेकर आए हैं समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी 2016 का प्रश्न पत्र। तो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को थोड़ा हम लोग डिस्कस कर लें तो आगे के प्रैक्टिस सीरीज को डिस्कस करना बेहद आसान हो जाएगा। तो 2016 का ही एग्ज़ाम होने वाला है, तो वो 2016 का पिछला पेपर कैसा था, फिर आगे का कैसा पेपर होगा, ये भी ध्यान रखना है कि 2016 में उस समय जो है माइनस मार्किंग नहीं था और अब जो है माइनस मार्किंग होगा। तो इस बदलाव में जो है हमको क्या करना होगा, कैसे क्वेश्चन को एग्जैक्ट करें, तभी तो प्रैक्टिस सीरीज़ का विशेष महत्व बढ़ गया है कि जितना ज़्यादा हम लोग टेस्ट देंगे उतना ही प्रैक्टिस करेंगे, जितना उतने ही सही प्रश्नों को बेहतर ढंग से कर पाएंगे। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अधिक से अधिक हम प्रैक्टिस करें। तो आइए, जो आर ओ 2016 का पेपर हो चुका था, जो कि आप जानते हैं कि जैसा कि रद्द भी हो गया, तभी तो दोबारा एग्ज़ाम हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में इसका रिवीजन एक बार कर लेते हैं जो पेपर आया हुआ था, फिर आगे के प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण सही क्रम कौन सा है? माया, एजटेक, मुइस्का, इंका। माया, मुइस्का, इंका, एजटेक। एजटेक, मुइस्का, माया, इंका। एजटेक, माया, मुइस्का, इंका। देखिए, इसका जो क्रम है उत्तर से दक्षिण अगर चलें तो एजटेक सभ्यता का विस्तार जो कि मेसो अमेरिका के उत्तरी भाग पर, माया सभ्यता का विस्तार मेसो अमेरिका के दक्षिणी भाग पर, और मुइस्का सभ्यता का विस्तार अमेरिका महाद्वीप के कोलंबिया के पूर्वी भाग में, जबकि इंका सभ्यता का विस्तार दक्षिणी अमेरिकी पश्चिमी भाग में था। तो मेसो अमेरिका के अंतर्गत मध्य मैक्सिको से लेकर के बेलीज, ग्वाटेमाला, अल सल्वाडोर, हंडुरस, निकारागुआ तथा उत्तरी कोस्टारिका का क्षेत्र शामिल है। तो ये जो है क्वेश्चन जो लोगों से पूछा गया था, विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में सभ्यताओं का विकास हुआ, उस अमेरिका महाद्वीप से ये क्वेश्चन लोगों से पूछा गया, उत्तर से दक्षिण का विस्तार होता है। तो ये वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन आपका हो गया एक तरीके से। निम्नलिखित में से शासकों में किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण शब्द का प्रयोग हुआ है? पुष्यमित्र शुंग, खारवेल, गौतमीपुत्र सतकड़ी, सुशर्मन। देखिए, जो एका ब्राह्मण शब्द का प्रयोग है वो गौतमी सतकड़ी के लिए किया गया था, या अद्वितीय ब्राह्मण सातवाहन सतकड़ी को बलश्री के नासिक अभिलेख में कहा गया है। इसको जो है एका ब्राह्मण किस अभिलेख में कहा गया है? जो नासिक का अभिलेख है, बलश्री का, बलश्री के नासिक अभिलेख में कहा गया है। गौतमीपुर सातकड़ी सातवाहन वंश का ये 23वां शासक था तथा सबसे महान शासक भी था। इसके समय में जो सैनिक बीजों की जानकारी इनकी माता बलश्री नासिक प्रसिद्ध से प्राप्त होती है। ऋग्वेद का संकलन ऋग्वेद है, स्रोतों का संकलन, कथाओं का संकलन, शब्दों का संकलन, युद्ध का संकलन। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ऋग्वेद जो है यह श्रुतियों का संकलन है, स्रोतों का संकलन है, जिसमें ऋषि मुनि जो है कहते हैं कि ब्रह्मदेव ब्राह्मण जो साहित्य हैं उनसे जानकारी मिलती है कि प्राचीन ऋग्वेद क्या है, सबसे प्राचीन ग्रंथ है, और यह स्रोतों से के द्वारा संकलन किया गया, जिसमें कि 10 मंडल 128 सूक्त हैं, और ऋग्वेद के मंत्रों के यज्ञों के अवसर पर देवताओं की स्तुति हेतु होत्री ऋषियों के द्वारा उच्चारित किया जाता था। तो ये जो विभिन्न ऋषि बनी रहे हैं वो अपना स्रोतों से सुनते रहते थे, उसका संकलन करते हैं। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? जहांगीर का, शाहजहां का, औरंगजेब का, दारा सिखों का। तो ये किसका जानकारी मिलता है? जहांगीर के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सूचीवंत को मिलान करना है, राजवंश और सिक्के। कुषाणों ने किस प्रकार का, क्या 16 सिक्के कुषाण चलाए थे?
सही है, 1799 स्वर्ण सिक्के चलाए थे। गुप्त स्वर्ण रजत, ये भी सही है। सातवाहन स्वर्ण सिक्के, सातवाहनों ने चांदी, तांबा, सीसा, पोटीन के सिक्के चलाए थे। सोने का सिक्का सातवाहनों के दौर में नहीं मिलता है, था सी जो है गलत हो जाएगा। कलचुरी, सोडा, रजत और ताम, वो भी सही है। तो इसमें विकल्प आंसर क्या होगा, सी। बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में कौन सा अंतिम था? बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में कौन सा अंतिम था? अब देखिए, इसी प्रश्न को जो आयोग है पहले पूछता आया है कि बुद्ध ने किसको अपना अंतिम उपदेश दिया था। अब उसी प्रश्न को देखिए शब्दावली बदल कर किस तरीके से पूछा जा रहा है कि बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था। तो सभी आप जानते हैं सुबद्ध, कौन था? सुबद्ध था, जबकि आनंद उनका सबसे प्रिय शिष्य हुआ करता था। ठीक, अंतिम अपने जीवन के अंतिम समय में बुद्ध ने सुबद्ध को शिक्षा दी थी, तो उनका वह अंतिम शिष्य था, अंतिम रूप से उसने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। निम्नलिखित में से कौन सी इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी थी? आगरा, लाहौर, बदायूं, दिल्ली। तो इल्तुतमिश के समय में, जैसा कि आपको जानते हैं कि उस समय यह इसी के साथ सल्तनत, क्योंकि इसी को हम लोग वास्तविक संस्थापक भी कहते हैं दिल्ली सल्तनत का। क्यों? क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में राजधानी लाहौर हुआ करती थी, 1210 ईस्वी के पश्चात या 1210 ईस्वी में जब इल्तुतमिश होता है तो उसके बाद उसने जो है राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था। तो कहाँ थी? दिल्ली केंद्र हो गया था। निम्नलिखित में से किसने महाभारत का फारसी अनुवाद किया था? अब्दुल कादिर बदायूं, अबुल फजल, निजामुद्दीन अहमद, शेख मुबारक, किसने किया था? तो ये जो है महाभारत का रजमनामा के नाम से फारसी अनुवाद अकबर के समय में अब्दुल कादिर बदायूं ने किया था। किसने किया था? अब्दुल कादिर बदायूं, और इनके साथ एक और भी थे फैजी। फैजी द्वारा अनुदित अन्य ग्रंथों में जैसे योग वशिष्ठ का, कालिया दमन और पंचतत्व को फारसी में अनुदित किया गया था। निम्नलिखित में से किसका मकबरा भारत से बाहर स्थित है? हुमायूं का, औरंगजेब का, शाहजहां का, जहादार शाह का, जहांगीर का? चलिए बताइए। तो जो जहांगीर है, जबकि 1627 ईस्वी में इसकी मृत्यु होती है, वो कहाँ? लाहौर में। और इसका मकबरा कहाँ है? लाहौर में। तो वर्तमान में भारत से बाहर हो गया ना, क्योंकि लाहौर पाकिस्तान में है। जबकि हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में है। औरंगजेब का मकबरा कहाँ पे? औरंगाबाद में है। और जहादार शाह का मकबरा कहाँ है? खुसरो बाग, इलाहाबाद में है। निम्नलिखित में से कौन सा राजा मोहम्मद गोरी द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित किया गया था? निम्नलिखित में से कौन सा राजा मोहम्मद गोरी के द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित किया गया था? पृथ्वीराज चौहान, जयचंद्र, कुमारपाल, भीमदिति। तो जो देखिए चंदावर का युद्ध है, जो कि 1562 ईस्वी में, सॉरी माफ करिएगा, निम्नलिखित में कौन सा राजा मोहम्मद गोरी के चंदावर युद्ध में पराजित किया? ये जयचंद्र को पराजित किया था। किसको किया था? जयचंद्र को। निम्नलिखित में से किस परिवार ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? राठौर, सिसोदिया, कछवाहा, चौहानों ने। तो देखिए, अकबर के साथ जो है सबसे पहले आमेर के कछवाहा शासकों ने जो है इससे वैवाहिक संबंध स्थापित, अपनी पुत्री का विवाह किया। फिर 1562 ईस्वी में अजमेर के मुनीद्दीन चिश्ती की दरगाह पर अकबर की यात्रा, इसमें राजा भारमल ने उससे अपनी पुत्री हरखाबाई के विवाह का प्रस्ताव रखा था, जिसे अकबर ने स्वीकार कर लिया था। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना हुई थी 1835 में, 1837 में, 1839 में, 1841 में। तो देखिए, ये कब हुई थी? दी असम कंपनी की स्थापना हुई थी 1839 में 5 लाख की पूंजी के साथ की गई थी। तो 1839। सूची एक को दो से मिलान करना है आपको, सूची एक को दो से मिलान करना है। अब ये जो विभिन्न यात्री आए हुए हैं वो किस दौर में आए, इसको आपको बताना है।
तो जो सी टॉमस रो हॉकिंस बहुत फेमस है और आप जानते हैं कि जहांगीर के दौर में आया। तो हॉकिंस आया था 1608 से 1611 में, 1608 यानी ए का टू। अब आइए मिलाते हैं, ए का टू देखिए किसमें किसमें है। अब पता चला ए का टू तो दो में है, एक तो बी में है दूसरा डी में है, और आप देख रहे बी का वन दोनों में सही है। तो टॉमस रो 1615 से 1619 के दौर में आता है। तो राल्फ फिच कब आया था? तो राल्फ फिच जो है वह 1585 में, राल्फ फिच 1585, इसका मतलब है कि डी का थ्री होगा। डी का थ्री दिया है, विकल्प बी आपका सही है। मनुची आया था 1653 से 1708 के दौर में, यानी औरंगजेब के समय में। क्लियर, फिर से देख लीजिए, जो हॉकिंस है 1608 से 1611 के दौर में, टॉमस रो 1615 से 1619 के समय में, मनुची 1653 से 1708 के समय में, राल्फ 1585 से 1586 के दौर में। निम्नलिखित में से किसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है? भितरगांव का मंदिर, ग्वालियर का तेली मंदिर, कंदरिया का महादेव मंदिर और औसिया मंदिर। तो ये जो है, जो ग्वालियर का तेली मंदिर है, इसका जो ऊपरी गुम्बद है वह द्रविड़ शैली में निर्मित है। किसमें निर्मित है? द्रविड़ शैली में। तो इस मंदिर के जो वास्तु शैली है, हिंदू और बौद्ध दोनों वास्तुकलों का यहाँ पर मिश्रण देखने को मिलता है। 15 अगस्त 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, एम आर जयकर, विट्ठल भाई पटेल। तो कौन था भाई? तो ये था विट्ठल भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल। तो अगस्त जब 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई विट्ठल भाई पटेल ने किया था। और जो 1919 का रौलट सत्याग्रह तथा 1920 में असहयोग आंदोलन की इन्होंने भूमिका भी, महत्वपूर्ण भूमिका भी निर्वहन किया था। और 1919 में कांग्रेस की ओर से इंग्लैंड में संयुक्त सुधार समिति के समक्ष दस्तावेज भी इन्होंने प्रस्तुत किया था। कौन थे? विट्ठल भाई पटेल। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिकार प्रतिशत वन क्षेत्र है? भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत क्षेत्र है, प्रतिशत वन क्षेत्र है? चलिए बताइए, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। तो ये जो क्षेत्र है, प्रतिशत की बात है, तो प्रतिशत में मिजोरम नंबर वन पर है, जबकि अगर क्षेत्रफल की बात किया जाए तो मध्य प्रदेश नंबर वन पे है। क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश नंबर वन पे है और परसेंटेज में मिजोरम। निम्नलिखित संस्थाओं पर हम लोगों को विचार करना है, इनका कार्य कालानुक्रम व्यवस्थित करना है, अर्थात इनके स्थापना को लेकर के डिसाइड करना है। पहला है बंग भाषा प्रकाशित सभा। तो इंडियन लीग सबसे फेमस है, और आप जानते हैं कि इंडियन लीग की स्थापना कब हुई थी? 1875 ईस्वी में। अब इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब तक आपको दो जानकारी ना हो, दो से तीन की जानकारी ना हो, तब तक आप इसको क्रमबद्ध नहीं कर सकते। बड़ी दिक्कत ये है। देखिए, जो बंगाल ब्रिटिश इंडिया है, ये 1843 का है, और जो लैंड होल्डर सोसाइटी है ये 1838 का है, 1838 का। अब बंग भाषा जो प्रकाशित सभा है ये 1836 के समय का, 1836। चलिए, तो अब मिला लीजिए, आप स्पष्ट करिए। तो सबसे पहले 1836 यानी बंगाल, एक दो तीन चार, ये तो पहले विकल्प सही है आपका, विकल्प नंबर एक क्रमबद्ध दिया है। तो बंग भाषा प्रकाशित सभा 1836 में, लैंड होल्डर सोसाइटी 1838 में, और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 में, इंडियन लीग 1875 में। लिखित युगों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? लिखित युगों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? वी डी सावरकर, द इंडियन वार
ऑफ इंडिपेंडेंस, वी डी सावरकर, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, लिखित इंग्लिश से कौन से सम्मिलित नहीं है? चलिए बताइए, लिखित इंग्लिश से कौन से सम्मिलित नहीं है? वी डी सावरकर, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। आर सी मजूमदार, दी सिपाही म्यूनिटी एंड रिवोल्ट 1857, ये भी सही है। राधा कमल मुखर्जी, अवध इन रिवोल्ट, गलत है, क्योंकि अवध इन रिवोल्ट के जो लेखक हैं वो रुद्रांशु मुखर्जी हैं। कौन है? इसके लेखक हैं रुद्रांशु मुखर्जी, रुद्रांशु मुखर्जी। एस बी चौधरी, द इंडियन म्यूनिटीज, वो भी सही है। तो इसमें आपका आंसर हो गया सी। अपनी पुस्तक इंट्रोड्यूसिंग कल्चरल ज्योग्राफी में जेई स्पेंसर एम डब्ल्यू एल टॉमस ने विश्व को कितने सांस्कृतिक क्षेत्रों में विभाजित किया है? 9, 10, 11, 12। तो ये कुल जो है 11 क्षेत्रों में इसने डिवाइड किया था। जो उनकी पुस्तक है इंट्रोड्यूसिंग कल्चरल ज्योग्राफी, टोटल 11 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। देखिए 2016 का पेपर रहा है, काफ़ी टफ पेपरों में से एक है। अगर इस तरह के प्रश्नों को हम लोग कवर कर लेते हैं तो समझिए कि बहुत ही हार्ड वर्क होगा। पकड़ना है कि इस तरह के प्रश्न कहाँ से आ रहे हैं, देख रहे हैं। ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित प्रांतों पर विचार कीजिए और उन प्रांतों को पहचानिए जहाँ 1937 ईस्वी में भारतीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना था। तो देखिए 1937 में जो देसी रियासतों या स्थानीय जो सरकारों का गठन हुआ है उसमें कांग्रेस का गठन कहाँ नहीं हुआ था, इस पर हम लोग को विचार करना है। मध्य प्रांत, उड़ीसा, बंगाल, पंजाब, चलिए बताइए। तो क्या बंगाल और पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी? नहीं बना, बताइए, नहीं थी भाई। बंगाल और पंजाब में कांग्रेस की सरकार नहीं थी, मध्य प्रांत उड़ीसा में थी। देखिए जी को भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अनुसार संपन्न चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कितने राज्यों में मिला है? 6 राज्यों में। कौन कौन से? मद्रास, बम्बई, मध्य प्रांत, उड़ीसा, बिहार, संयुक्त प्रांत। इन 6 राज्यों में कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार थी। और पश्चिम उत्तर प्रांत तथा असम में कांग्रेस ने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर के जो है सरकार का गठन किया था, तो इसमें नहीं था। पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी किए गए इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015 के अनुसार भारत के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों और पेड़ों से आच्छादित है? तो देखिए इस जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वन और पेड़ समेत जो है जो परसेंटेज रहा है 2015 के अकॉर्डिंग वह है 24.16, यानी 24.16%। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? फसल और प्रजाति। क्या धान की फसल प्रजाति है गोविंद? गेहूं का शुष्क सम्राट, अरहर का पारस, मटर का प्रकाश। सही सम्मिलित कौन सा है इसमें? क्यों लेखी तो सही होगा। देखिए धान, गोविंद जो धान की फसल, गोविंद और शुष्क सम्राट धान की प्रजाति है, जबकि पारस अरहर की और प्रकाश मटर की प्रजाति है। तो शुष्क सम्राट धान की प्रजाति, तो इसका जो क्वेश्चन है गलत टाइपिंग है आपका, इसमें से होना चाहिए कौन सा सही नहीं है, क्योंकि गोविंद धान की प्रजाति है, शुष्क सम्राट जो है ये भी धान की प्रजाति है, गेहूँ की नहीं है।
अरहर की पारस मटर का प्रकाश ही सही है। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वन संवर्ग नहीं है? राष्ट्रीय वन, राष्ट्रीय उद्यान, संरक्षित वन, ग्राम वन। तो देखिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो 1952 को फॉरेस्ट पॉलिसी है इसके अकॉर्डिंग जो संरक्षित क्षेत्र हैं उसमें है राष्ट्रीय वन, ग्राम वन और वृक्ष भूमि। इस प्रकार जो राष्ट्रीय वन उद्यान है ये वन संवर्ग में नहीं शामिल है, इनके अलग से संरक्षण करते हैं, राष्ट्रीय उद्यान इसमें नहीं होगा। लेकिन में से किस जिले में मार मृदा पाई जाती है? कानपुर, प्रतापगढ़, सीतापुर, झांसी। चलिए प्रैक्टिस सेट में भी दिया गया था आपको। तो देखिए मार मृदा जो है यह बुंदेलखंड के क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? बुंदेलखंड के क्षेत्र में। तो ये किसके प्रकार है? यह एक काली मिट्टी का प्रकार है। तो काली मिट्टी दो प्रकार की इस क्षेत्र में होती है, कावड़ मृदा बोलते हैं जिसको और एक को मार मृदा बोलते हैं। तो मार मृदा में गेहूं और कपास के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। यह पाई जाती कहाँ पे? झांसी में, ललितपुर और बांदा के क्षेत्र में। तो दिए गए बुंदेलखंड के जिले में सिर्फ झांसी का नाम, तो झांसी आपका आंसर हो जाएगा। भारत में फसलों की बुवाई के अंतर्गत शुद्ध क्षेत्रफल कितना है? 12 करोड़, 16 करोड़, 14 करोड़, 17 करोड़। तो ये जो है कितना है भाई? ये है 14 करोड़। कोयला मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 1 अप्रैल 2014 को निम्नलिखित राज्यों के प्रमाणित कोयला भंडार की दृढ़ से सही अवरोही क्रम क्या है? अब ये अवरोही क्रम, अरोही क्रम का मतलब क्या है? तो इसमें देखा जाए तो देखिए झारखंड में सबसे ज़्यादा भंडार है, यानी घटते क्रम में देखना आपको, तो झारखंड नंबर वन पे है, उसके बाद छत्तीसगढ़ है, उसके बाद उड़ीसा है, फिर मध्य प्रदेश है। निम्नलिखित में किस कण का व्यास 0.002 मिमी से कम होता है? मृत्तिका, गाद, महीन बालू। उपरोक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से किस कण का व्यास 0.002 मिमी से कम होता है? मृत्तिका, गाद, महीन बालू। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये किसका होता है? मृत्तिका का। तो देखिए मृत्तिका का जो व्यास है 0.002 मिमी से कम होता है, गाद का जो व्यास है यह 0.002 मिमी से 0.06 मिमी के मध्य होता है, और जो महीन बालू है वो 0.6 मिमी से 2 मिमी के मध्य होता है। उनके कथनों से विचार कीजिए, प्राकृतिक संसाधन वे होते हैं जो किसी क्षेत्र में स्थित हैं तथा भविष्य में भी प्रयोग में लाए जा सकते हैं। किसी वास्तविक प्राकृतिक संसाधन का विकास प्रौद्योगिकी एवं उत्पादन लागत पर निर्भर करता है। चलिए बताइए क्या ये व्याख्या सही है? क्या पहले सबसे पहले विचार करें क्या दोनों कथन सही है? प्राकृतिक संसाधन वे होते हैं जो किसी क्षेत्र में स्थित हैं तथा भविष्य में प्रयोग में लाए जा सकते हैं, बिल्कुल सही है। किसी वास्तविक प्राकृतिक संसाधन का विकास प्रौद्योगिकी एवं उत्पादन पर निर्भर करता है, ये भी सही है। अब व्याख्या देखें, प्राकृतिक संसाधन वे होते हैं जो किसी क्षेत्र में स्थित हैं तथा भविष्य में भी प्रयोग में लाए जा सकते हैं, क्योंकि किसी वास्तविक प्राकृतिक संसाधन का भी बिल्कुल नहीं मिल रहा है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं लेकिन व्याख्या नहीं है, अर्थात बी आंसर हो जाएगा। कथनों पर विचार करना है आपको, भारत में वन क्षेत्र का ह्रास भारत के जनसांख्यिकीय संक्रमण से प्रत्यक्षता संबंधित रहा है। वन क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि में प्रायः नकारात्मक संबंध होता है, क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं? बताइए। बिल्कुल सही है भाई। अरे जनसंख्या बढ़ने से वन क्षेत्र घट रहा है कि बढ़ रहा है? घट रहा है, क्योंकि हमको आवास चाहिए, हाँ कृषि भूमि चाहिए, भोजन भी तो कंप्लीट होना चाहिए, और तो ये दोनों का विपरीत संबंध हुआ ना, क्योंकि दोनों का विपरीत संबंध नकारात्मक संबंध है, इसलिए आंसर ए हो जाएगा। नीली नील, ब्लू नाइल नदी इसमें किस झील से निकलती है? जो ब्लू नील है वह किस झील से निकलती है? तो अब आइए बताइए भाई, पहला है विक्टोरिया झील, दूसरा है ताना झील, तीसरा एडवर्ड झील
और एल्बर्ट झील। तो देखिए नील नदी तो आप जानते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप में प्रवाहित होती है, तो नीली नील अफ्रीका देश के इथियोपिया में अवस्थित ताना झील से निकलती है, और जबकि व्हाइट नील कहाँ से निकलती है, इस सूडान में आगे चल के खार्तूम में दोनों मिलती है, किसे, सफ़ेद नील से मिलती है। और नील नदी अफ्रीका महाद्वीप के सबसे लंबी नदी है, आप जानते हैं मिस्र को नील नदी का वरदान भी कहा जाता है, आप ये भी जानते हैं। तो जो ये है आपकी ब्लू नील जो कहाँ से निकलती है, ताना झील से, और वाइट नील निकलती है आपका विक्टोरिया झील से, विक्टोरिया से। ये दोनों मिलती कहाँ पर हैं, खार्तूम में, खार्तूम में, खार्तूम किसकी राजधानी, खार्तूम किसकी राजधानी है, सूडान की। ठीक, तो ये क्या आंसर हो जाएगा आपका, ताना झील। मैं कि इसमें कौन जैविक संसाधन नहीं है, शुद्ध जल, कोयला, पेट्रोलियम, मछली। निगम से कौन जैविक संसाधन नहीं है, शुद्ध जल, कोयला, पेट्रोलियम, मछली, बताइए। तो देखिए जो शुद्ध जल है वो जैविक संसाधन नहीं है, जबकि कोयला को हम लोग जैविक रूप से प्राप्त करते हैं, जीव का जीवाश्म है, पेट्रोलियम भी एक जीवाश्म है, मछली भी क्या एक जीव है, आपके शुद्ध जल जीवाश्म का परिणाम नहीं है। निम्नलिखित सागरों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम बताएं, काला सागर, भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर, अरब सागर। कैस्पियन सागर, भूमध्य सागर, काला सागर, अरब सागर। भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, अरब सागर। काला सागर, भूमध्य सागर, अरब सागर, कैस्पियन सागर। तो सबसे पश्चिम में कौन सा है या सबसे पूरब में कौन सा है, तो देखिए जो सबसे पूरब में है उसको पकड़ लेते हैं। तो सबसे पूरब में है अरब सागर। अब सबसे पूरब में जो अरल सागर है वो तीन विकल्प में दिया है, ए में दिया, बी में दिया, सी में दिया, अब क्या करें, बड़ी स्थिति बेकार हो गई। तो देखिए अब बड़ा सा सागर आपको दिख रहा होगा, मैं वर्ल्ड मैप में अगर आप देखें भूमध्य सागर आपको दिखाई देगा, तो ये जो यूरोप और अफ्रीका के मध्य में स्थित है वो कौन सा, भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर के बाद अगर आप थोड़ा सा पूरब की ओर चलेंगे तो आपको बड़ा सागर मिलेगा, काला सागर, और उसके बाद चलेंगे आप तो इधर कजाकिस्तान रशिया के मध्य मिलता है आपको कैस्पियन सागर, और सबसे पूरब में कजाकिस्तान का जो क्षेत्र है उधर मंगोलिया के निकटवर्ती में आपको अरल सागर मिलता है, जो कि अब विलुप्ति के कगार पर चला गया है। तो ये पूरब से पश्चिम, सबसे पहले भूमध्य सागर जो यूरोप और अफ्रीका के मध्य में है, फिर उसके बाद काला सागर है, फिर उसके बाद कैस्पियन सागर है, फिर उसके बाद अरल सागर है, अर्थात विकल्प सी आपका आंसर सही होगा। सेटेलाइट होता है समताप मंडल का सबसे ऊपरी बैंड, समताप मंडल का सबसे निचला बैंड, अधिक ऊंचाई पर समताप मंडल स्थापित वायुपोत, शनि का प्राकृतिक उपग्रह क्या है भाई। तो देखिए अधिक ऊंचाई पर समताप मंडल स्थापित वायुपोत, तो हम लोग सेटेलाइट नेचुरल जो हम लोग के द्वारा कृत्रिम सेटेलाइटें छोड़ी जाती हैं जो कि 36,000 किलोमीटर तक ऊँचाई तक जाती हैं। तो दो तरह की, एक तो जियो सेटेलाइट होती हैं जो भूस्थैतिक कक्षा में होती हैं जो कि 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती हैं, और एक पोलर सेटेलाइट होती हैं जो कि समताप मंडल में चलती हैं। सूची एक को दो से मिलान करना है आपको, नदियां हैं और कहां पर ये डूब मरती हैं इनका मिलान करना है। चलिए बताइए भाई कहां कहां कौन मरती है, किस में डूबती है। माही नदी गुजरात की बड़ी फेमस नदी है भाई, तो ये कहाँ पर गिरती है, माही नदी। देखिए हम लोगों को मालूम है कि माही नदी अरल सागर में गिर, अरब सागर में गिरती है ना, तो डी का थ्री श्योर हो गया। अब देखिए डी का थ्री किसी विकल्प में दिया है, बिल्कुल दिया है, विकल्प ए ही सही हो गया। अब तो कुछ करने की ज़रूरत है, इन्हें मिला दिया छोड़ दिया जाए, चलिए मिला दिया जाए। तो इसमें देखिए जो लीना है वह आर्कटिक महासागर में गिरती है, आर्कटिक सागर में, आर्कटिक सागर में, और जो आमूर है यह प्रशांत महासागर में, और टिग्रिस जो कि फारस की खाड़ी में गिरती है, कहाँ पर, फारस की खाड़ी में। क्या मिलान हो गया भाई,
मिलान हो गया। एक्चुअली 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? अजीमुल्ला, बिरजिश कद्र, भक्त खान, हसन खान। तो जो 1857 का विद्रोह है, बहादुर शाह ने उस समय जो भक्त खान, कौन था, भक्त खान को साहब ए आलम बहादुर की उपाधि दिया था। क्यों दिया था भाई? क्योंकि जो 1857 की क्रांति है उसमें भक्त खान ने मुगल सेना नायक के रूप में विद्रोह का नेतृत्व संभाला था, इस कारण से लिया गया था। अब क्रांतिकारियों के नाम हैं और स्थान से मिलान करना है, कैसे मिलान किया जाए? देखिए, नाना साहब आप जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, दिल्ली कानपुर से हैं। नाना साहब कहाँ से थे? कानपुर से। तो ए का टू सप्त माल में, तो ए का टू विकल्प सी और डी में, इसका मतलब है कि या तो सी होगा या तो डी होगा। अब आप देख रहे हैं बी का वन भी है, इसका मतलब नवाब हामिद अली खान दिल्ली से, ये दोनों कंफर्म हो गए। अब सी अगर क्लियर हो जाए या तो डी हो जाए, तो मौलवी अहमद उल्लाह कहाँ से थे? ये मौलवी अहमद उल्लाह बताइए, ये थे असम से। कहाँ से थे? असम से। और मनी राम दीवान ये लखनऊ से थे। अर्थात आंसर आपका हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सूची एक को दो से मिलान कर गया है। चलिए, मिलान करने वाले देख रहे हैं आप, प्रश्न बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। पांडिचेरी, मद्रास, त्रावणकोर, गोवा। तो गोवा पुर्तगालियों के कब्जे में रहा है, या तो आप जानते ही हैं। ए का थ्री हमको जानकारी मिला, चलिए इस बेसिस पे हम लोग हल करते हैं। ए का थ्री, बहुत सही, ए का थ्री विकल्प सी में दे दिया, अर्थात आंसर तो मिल गया। अब मिला लिया जाए तो आंसर आपका सी हो जाएगा। तो पांडिचेरी, देखिए गोवा पुर्तगालियों के कब्जे में था। अब जो पांडिचेरी है ये फ्रेंच, सॉरी फ्रांसीसियों के कब्जे में था। गोवा पुर्तगालियों में, पांडिचेरी फ्रांसीसियों का था। और जो त्रावणकोर है ये डेनिश कंपनी, और मद्रास डच के कब्जे में था। क्लियर? आगे बढ़ा जाए तो आंसर क्या होगा आपका? सी। लिखित कथनों पर विचार कीजिए, विवरण पर विचार, विवरण पर विचार करना है। 1853 में जन्मे पश्चिमी भारत के पारसी थे, ये इंडियन स्पेक्ट्रेटर तथा वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे। वे एक समाज सुधारक थे और सम्मति आय अधिनियम 1891 के पक्ष के प्रमुख संघर्षकर्ता थे। उपयुक्त पैराग्राफ किसके विषय में लिखा गया है? दादा भाई नरोजी, बी एल मालावारी, बी पी वाडिया, नरोज फरदौन। देखिए ये है बी एल मालावारी के संबंध में। तो बी एल मालावारी जो है एक समाज सुधारक थे। क्या थे ये? ये एक समाज सुधारक थे जिन्होंने इंडियन स्पेक्टेटर ऑफ तथा वॉइस ऑफ इंडिया नामक क्या था, ये पत्र का संपादन किया था। ये दोनों क्या थे? पत्र थे। और वे संपत्ति अधिनियम 1851 में प्रबल पक्षधर थे। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? 1853 में पश्चिमी भारत के पारसी परिवार में हुआ था। क्यों थे ये? बी एल मालावारी। लिखित कथनों पर विचार कीजिए, जवाहरलाल नेहरू ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। गांधी इरविन समझौता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना अंतर्निहित था। क्या आंसर होगा भाई? क्या पहला कथन सही है?
हमको तो नहीं लग रहा है पहला कथन सही है, क्योंकि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था, ना कि जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अब पहला गलत हो गया तो फिर विचार ही नहीं करना है, आंसर तुरंत हो जाएगा डी हो जाएगा। तो जो 1932 का द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था, इसमें कांग्रेस का नेतृत्व जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व है महात्मा गांधी ने किया था, और दूसरा कथन सही है क्योंकि गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ, फिर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जो है महात्मा गांधी भाग लेने गए थे। ठीक, क्लियर, चलिए आगे बढ़ा जाए। करीबा बांध बहुत फेमस क्वेश्चन है यूपी कमीशन का। काफ्यू नदी, जम्बेजी नदी, जाम्बेसी नदी, कामबो नदी, यह है जम्बेजी नदी पर। तो करीबा बांध जम्बेजी नदी पर है, यहाँ पर करीबा झील भी है। अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख बांध कुछ है, जैसे कि स्वान जो कि मिस्र में है, नील नदी पर है, और इस महाद्वीप का सबसे ऊंचा बांध भी है। और कैजी बांध जो कि नाइजर नदी पर है, शन्नार बांध जो कि नीली नील नदी पर है, और जम्बेजी नदी जाम्बिया के और जिम्बाब्वे के बीच सीमा पर स्थित है करीबा बांध। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के संदर्भ में लिखित आंकड़ों में कौन सा सुमेलित नहीं है? लक्षण और मान, देश की जनसंख्या में योगदान 18.5% क्या उत्तर प्रदेश की जो जनगणना है उसका योगदान कितना है प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व? चलिए बताइए, आठ सौ उनतीस सही है। 2001 से 11 के दशक जनसंख्या प्रतिशत 20.23 ये भी सही है। महिला साक्षरता 57.1% सही है, ये गलत है आपका पहला, 18.5% नहीं है। निकित में कौन सुमेलित नहीं है? पोत निर्माण केंद्र और राज्य, निकित में से कौन सुमेलित नहीं है? ह्यूस्टन, टेक्सास, स्पेरन पॉइंट, मेरीलैंड, न्यू ऑर्लियंस, लुइसियाना, कैमडेन, फ्लोरिडा। क्या करना है, ये जो पोत निर्माण केंद्र हैं ये सब यूएसए के पूछ रहा है, मिलान करना है आपको। देखिए ह्यूस्टन जो है एक टेक्सास प्रांत में है, सही है। स्पायरोज पॉइंट जो है मेरीलैंड में है, ये भी सही है। न्यू ऑर्लियंस लुइसियाना में है, ये भी सही है। तो जब तीन सही हो गए तो फिर चौथे बेचारे क्या करना। तो जो कैड ये कैमडेन है ये कहाँ पर है, ये न्यू जर्सी में है, फ्लोरिडा में नहीं है, ये है न्यू जर्सी में। क्लियर, चला जाए आगे। निकट में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से तो पूछना ही क्या, आंसर डी मारी आगे बढ़िए। जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप को एक दीर्घ कालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को कहते हैं, जननांकी संक्रमण, जनसंख्या विस्फोट, जननांकी गत्यात्मकता, जननांकी रूपांतरण। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं जननांकी संक्रमण। यूपी 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर है 17.05%, 68.21%, 67.68% और 65.41%। तो देखिए जो उत्तर प्रदेश की जनगणना के अकॉर्डिंग जो यहाँ के साक्षरता दर है वह है कितनी, 67.07%, जो कि विकल्प में दिया ही नहीं है। तो नियर अबाउट आपका सी है इसलिए सी मान लेते हैं, लेकिन सही एग्जैक्ट आंसर नहीं है। इसमें पुरुष साक्षरता कितनी है 77.3% और महिला साक्षरता है 57.2%। कथनों पर विचार करना है, भारत की जनगणना हर 10 वर्ष पर की जाती है, 10 वर्ष की अवधि के दौरान भारत की जनसंख्या अधिकांशतः अपरिवर्तित रही है। भारत की जनगणना हर वर्ष 10 वर्ष पर की जाती है, 10 वर्ष की अवधि के दौरान भारत की जनसंख्या अधिकांशतः अपरिवर्तित, बिल्कुल। और दूसरा कथन तो गलत ही है, दूसरे कथन पे हमको विचार ही नहीं करना है, करना है
नहीं करना है भाई, दूसरा गलत है पूरी तरीके से, सी आंसर हो गया अपने आप। लेकिन में से कौन एक भारतीय संविधान के अंतर्गत आपात की घोषणा का आधार नहीं हो सकता, युद्ध, वाय आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, आंतरिक अशांति। चलिए बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आंतरिक अशांति के आधार पर जो अनुच्छेद 352 है वह नहीं कहता कि इसके आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। तो 44वां संविधान संशोधन जो 1978 में होगा इसने इसको हटा दिया, आंतरिक अशांति को हटा दिया, संशोधन कर दिया। क्यों? क्योंकि इसके पहले जो 1975 में जो इमरजेंसी लगी थी, आपातकाल लगाया गया था, वह आंतरिक अशांति के आधार पर ही लगाया गया था, ठीक है। इसलिए जो है इसको 44वां संविधान संशोधन के द्वारा जनता पार्टी की सरकार ने इस संशोधन कर दिया कि अब आंतरिक अशांति के आधार पर ये आपातकाल नहीं लगाए जा सकते। भारतीय संविधान के संदर्भ में लिखी कथनों पर विचार कीजिए। 48वां नंबर क्वेश्चन, संघ मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा, बिल्कुल सही है। संघ के मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर अपने पद धारण करेंगे, क्या ये सही है? क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है भाई, प्रसाद पर्यंत थोड़ी कोई मंत्री होता है, वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, केवल एक सही है, ठीक है। तो ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 75 में। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) में कहा गया है कि संघ के मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा, ये कथन किस में है? अनुच्छेद 75(3) में दिया गया है। फिर उसके बाद जो है संघ के मंत्रिपरिषद के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे, ऐसा नहीं है, ये राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी, राष्ट्रपति से प्रसाद पर्यंत है 75(2) में। कि इसमें कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? पंचायत भाग 9 में, नगर पालिकाएं भाग 9 में, सहकारी समितियां 9(ख) में, अधिकरण 10, अनुसूची भाग, बताइए। तो ट्रिब्यूनल का उल्लेख नहीं है 10(10) में, ये सही है, बाकी सब सही है, ये गलत है आपका। सूची 1 को 2 से मिलाना है आपको। 7वीं अनुसूची में क्या भाषा है? 7वीं अनुसूची किसमें? 8वीं, देखिए 8वीं तो हम लोग जानते हैं भाषा से, डी का नहीं, बी का 1। 7वीं अनुसूची क्या है? विधायी शक्तियों का वितरण, ए का 3, बी का 1, चलिए मिला लेते हैं, ए का 3, बी का 1, विकल्प कौन सा निकला? ए का 3, बी का 1, अरे ये तो विकल्प 2 आ गए, ए और सी दोनों हैं। अब आगे देखना होगा 9वीं अनुसूची में क्या है, 10वीं अनुसूची में क्या है, 10वीं अनुसूची में दल बदल है, डी का 2, चलिए आगे मिला लेते हैं, डी का 2, तो डी का 2 हो गया सी में, अर्थात सी विकल्प सही है, तो सी आपका सही है। आइए फिर से इसको देख लेते हैं। देखिए 7वीं अनुसूची में क्या है? विधायी शक्तियों का वितरण है। 8वीं अनुसूची में क्या है? भाषा है। 10वीं में दल बदल है, और 9वीं अनुसूची में क्या है? कुछ अधिनियमों का विधिमान्यकरण है। भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को निम्नलिखित संविधान संशोधनों में किसके द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया है? 57वां संविधान संशोधन, 58वां संविधान संशोधन 1987, 59वां संविधान संशोधन 1988, 60वां संविधान संशोधन 1988। तो इसको जो है 58वां संविधान संशोधन 1987 के थ्रू शामिल किया गया है। जनगण 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किसमें जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किसमें जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, बताइए। देखिए बिहार और पश्चिम बंगाल की तो बातें नहीं करनी, यहाँ तो जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है, केरल में फिर उसके बाद है, केरल की डेंसिटी ठीक है, इसमें सबसे कम उत्तर प्रदेश की 829 है। तो आपको बता दूँ कि जो पश्चिम बिहार का जनघनत्व वो 1106 है, पश्चिम बंगाल का 1028 है,
केरल का 860 है और उत्तर प्रदेश का 829 है। निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 के जनगणना के अनुसार 10 लाख ही प्लस नगरी समूह नहीं है, 10 लाख ही प्लस के नगरी समूह नहीं है? हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, झारखंड। चलिए बताइए, तो इसमें जो है उड़ीसा में नहीं है, क्लियर, उड़ीसा में नहीं है। दो हजार ग्यारह की भारत की जनगणना के निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श वाक्य उपयोग किया गया था? अवर फ्यूचर अवर कंट्री अवर सेशंस, पीपुल्स ऑफ इंडिया अवर सेशंस, अवर सेशंस अवर फ्यूचर। सभी लोग जानते हैं कि हमारी जनगणना का जो था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, अवर सेशंस और सेंसस अवर फ्यूचर, अवर सेंसस अवर फ्यूचर। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार नगरीकरण के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा राज्यों के नीचे दिए गए कोड का क्रमानुसार व्यवस्थित करिए। चलिए नगरीकरण परसेंटेज देखना है, तो देखिए परसेंटेज में इसमें जो है नंबर वन पे कौन है, गोवा होगा इसमें। क्यों? क्योंकि गोवा का नगरीकरण है 62%। फिर उसके बाद मिजोरम है, मिजोरम का है 52.1%। फिर उसके बाद तमिलनाडु है, तमिलनाडु का 48.4% है। फिर केरल का है 47.7% है, क्लियर। तो पहले नंबर पर हो जाएगा गोवा अर्थात 3, दूसरे नंबर पे हो जाएगा मिजोरम अर्थात विकल्प ए सही है। भारत की जनगणना, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या निम्नलिखित नगरीय युगों में से किसमें दर्शित हुई है? कोलकाता दिल्ली में, दिल्ली बेंगलुरु में, मुंबई कोलकाता में, मुंबई और दिल्ली में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सर्वाधिक जो नगरीय अगर इसमें जोड़ा मिला दिया जाए तो मुंबई और दिल्ली का सबसे बड़ी जनसंख्या होगी। निम्नलिखित एक कथनों पर विचार करना हम लोगों को। भारत में सन 2001 के पश्चात शहरीकरण में तीव्र वृद्धि हुई है, भारत में सन 2001 के पश्चात शहरीकरण में तीव्र वृद्धि हुई है, भारत में मोबाइल संप्रेषण के क्षेत्र में क्रांति हो रही है, क्योंकि क्रांति हो रही है। क्या ये स्टेटमेंट दोनों सही हैं? दोनों कथन तो सही है लेकिन व्याख्या देखना पड़ेगा। भारत में सन 2001 के पश्चात शहरीकरण में तीव्र वृद्धि हुई है क्योंकि भारत में मोबाइल संप्रेषण के क्षेत्र में क्रांति हो रही है। मोबाइल संप्रेषण से इससे क्या संबंध है? लोगों की जब आय बढ़ी तब तो शहरीकरण बढ़ेगा। तो ये देखिए सही है दोनों स्टेटमेंट लेकिन व्याख्या नहीं है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 17.31%, 18.50%, 18.90%, 19.05%। तो ये जो स्थिति है ये कितनी है? 17.31%। कितनी है? 17.31%। सूची एक को दो से मिलाना है आपको। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज का योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जवाहर रोजगार योजना। तो लेटेस्ट योजना आपको मालूम है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन D4, लेकिन इससे कल्याण नहीं होने वाला है क्योंकि D4 तीन विकल्पों में दिया है। अब क्या करें? अब दूसरी देखिए, जो जवाहर रोजगार योजना है ये आई थी 1989 में। देखिए क्या इससे आंसर हो जाएगा? सी का टू। ये जो है क्या हो जाएगा? C2। तो ये आंसर सी हो गया। देखिए तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना आई 1997 में, जवाहर रोजगार योजना 1989 में, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 में। देखिए पुरानी योजनाओं का भी हम लोगों से पूछ लिया जाता है, तो पुरानी योजनाओं
के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी हमको रखनी पड़ती है। वर्ष 2015-16 में भारत का कौन सा राज्य गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य था? तो भाई उत्तर प्रदेश अभी तक रिकॉर्ड रहा है कि नंबर वन पे ही है। मुकेश, किस भारतीय पंचवर्षीय योजना में सभी विकासात्मक प्रयासों के सार के रूप में मानव विकास मान्यता दी गई? 7वीं, 8वीं, 6वीं, 5वीं। तो ये जो है 8वीं पंचवर्षीय योजना में इसमें जोड़ दिया गया था, जिसमें मानव संसाधन का विकास इस योजना का मुख्य लक्ष्य रहा। क्लियर। निम्नलिखित विचार करना है कथन पे आ गए, तीन कथन दिए हैं, विचार ही विचार करना है, वो भी जीएसटी पे क्वेश्चन है, जीएसटी परिषद। तो जीएसटी पे अभी भी क्वेश्चन आएंगे, नो डाउट। इसको जो है आप अलर्ट रहेंगे जीएसटी को लेकर के। जीएसटी परिषद की अध्यक्षता संघीय मंत्री करते हैं और केंद्र के राजस्व या वित्त मंत्री के प्रभारी राज्य मंत्री इसके एक सदस्य होते हैं। क्या ये स्टेटमेंट सही है बताइए? क्या जीएसटी परिषद के अध्यक्षता वित्त मंत्री करते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। और जीएसटी परिषद, जैसा कि आप जान रहे हैं कि राज्यों के वित्त मंत्री भी इसके सदस्य होते हैं और केंद्र के राजस्व और वित्त के प्रभारी राज्य मंत्री भी इसके सदस्य होते हैं, तो कथन एक सही है हमारा। जीएसटी परिषद कर दर से छूट वाली वस्तुओं के बारे में निर्णय करेगी और नई कर नीति को दिल्ली निर्धारण भी करेगी। ये बात जो है क्या स्पष्ट हो पा रही है? चलिए अच्छा तीसरे पे विचार कर लें। राज्य सरकारों के पास वैट उगाही का विकल्प यदि भी सोचा है, अरे भाई जब वैट ही था तो जीएसटी आया का है? तीन तो गलत निकला, चलो भाई एक तो मिल गया कि तीसरा गलत है। बहुत सही, तीसरा गलत, एक आंसर नहीं होगा, बी आंसर नहीं होगा और सी आंसर नहीं होगा। लेकिन सॉरी माफ करिएगा, इसको देखिए ऐसे करेंगे, सी तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि तीन गलत है। अब संभावना हमको सिर्फ दो पर जताना है, एक तो सही निकला, दो भी सही निकला, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? डी। दूसरा, जीएसटी परिषद की दर से छूट वाली वस्तुओं के बारे में निर्णय करेगी और नई कर नीति को दिल्ली निर्धारण भी करती है। बिल्कुल करती है जीएसटी परिषद। क्लियर। तो ये 101वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 279A में इसको जोड़ा गया है। 279A संविधान संशोधन 101वां, कौन सा संविधान संशोधन था ये? 101वें संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 279A में इसको जोड़ा गया। नाबार्ड के संबंध में लिखित कथनों में विचार कीजिए। नाबार्ड संसद अधिनियम अनुवर्ष 1982 में स्थापित हुआ। यह केवल कृषि के लिए साख की सुविधा प्रदान करता है। चलिए विचार करिए, विचार करिए, जल्दी जल्दी करिए। देखिए सिर्फ कृषि के लिए ऋण नहीं देता है, पहला तो सही 100%, क्योंकि 12 जुलाई 1982 को संसद अधिनियम के द्वारा ही इसकी स्थापना की गई थी, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास। लेकिन ये वित्तीय जो सहायता है कृषि क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण अवसंरचनात्मक विकास के लिए भी ऋण प्रदान करती है, इसलिए विकल्प ए सही है। सूक्ष्म लघु उद्यम मध्यम उद्यम विकास अधिनियम पारित हुआ 2005 में, 2006 में, 2007 में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम पारित हुआ 2005 में, 2006 में, 2007 में, 2008 में। ये पारित हुआ था कब भाई? 2006 में। तो जो सूक्ष्म लघु उद्यम विकास अधिनियम है 2 अक्टूबर 2006 को प्रभावी हुआ था और जिसे लोकसभा के द्वारा 18 मई 2006 को और राज्यसभा द्वारा 22 मई 2006 को पारित किया गया था और राष्ट्रपति का 16 जून को इस पर साइन हुआ था। अगला विकल्प सही सुमेलित करना है आपको, सुमेलन करना है, चलिए किया जाए। कस्टम ड्यूटी, कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स लगता है देखिए फैक्ट्री निर्मित वस्तुओं पर, जिसको हम लोग निगम कर बोलते हैं। तो डी का टू तो कन्फर्म, अब डी का टू एक ही विकल्प में, बहुत अच्छा संयोग हो गया। अब देखिए जो कैपिटल गेन टैक्स है ये आयात शुल्क है, जो
ये सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी ये संपत्ति क्रय है, और जो कस्टम ड्यूटी है यह आय पर लगती है। लघु निर्माणी उद्योग में प्लांट एवं मशीनरी में विनियोग की मात्रा होनी चाहिए 10 लाख रुपए से अधिक नहीं, 10 लाख रुपए से ऊपर परंतु 25 लाख रुपए से अधिक नहीं, 25 लाख से ऊपर 5 करोड़ से अधिक नहीं, 5 करोड़ रुपए से ऊपर 10 करोड़ से अधिक नहीं। तो ये देखिए परिवर्तन होता रहता है, हालांकि इसके अकॉर्डिंग जो आंसर है आपका वह है 25 लाख रुपए से ऊपर परंतु 5 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए, तब इतना गलत इसे लघु दृष्टि में शामिल कर लिया जाता है। सेबी अधिनियम पारित हुआ था 1956 में, 62 में, 92 में, 2013 में। तो सेबी जैसा कि आप जान रहे हैं कि यह एक शेयर मार्केट की नियामक संस्था है, और यह 1992 में इसके लिए स्पेशल अधिनियम पारित किया गया था। उपभोक्ता सहकारी भंडार स्थापित किए जाते हैं सदस्यों के द्वारा, सहकारी समितियों के निबंधन के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा। तो ये किसके द्वारा किया जाता है? सदस्यों के द्वारा। तो जो सहकारी भंडार स्थापित किए जाते हैं, सहकारी समिति के लोगों का संघ होता है, और इसमें सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक स्वेच्छापूर्वक सहयोग करते हैं सब लोग, और उपभोक्ता सहकारी भंडार सदस्यों के द्वारा स्थापित किया जाता है। तो सहकारी समितियाँ जिसमें सोसाइटी आप बोलते हैं, जहाँ पर खाद बीज वगैरह सब मिलता है, इसको भी आप इस तरह भी जान सकते हैं, लेकिन ये उपभोक्ता सहकारी समिति। ठीक है, तो आज हम लोग 68 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स तक ही करते हैं, कल हम अगले पार्ट में इसके आगे के प्रश्नों पर आपसे डिस्कस कर लेंगे, जहाँ से साइंस के प्रश्न शुरू हो रहे हैं। तो आज इस पार्ट में इतना ही, और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आप इसको ज़रूर देखें, हल करिए, इसका डिस्कस सुनिए, और क्योंकि इसमें से भी कुछ क्वेश्चन इस टाइप के प्रश्न होंगे, ये हमको पता चलता है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, जैसा लगे कमेंट करना ना भूलें, और मित्रों अच्छा लगे तो शेयर करना भी ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।